बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई गेस शुरू करते हैं, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग पे डाल दूं। हां जी रिकॉर्डिंग पे आ चुकी है, लेट अस बिगिन। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब। बेटे कहता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाओ रेलवे क्लब का 31 मार्च 2020 के लिए, आपसे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मांग रहा है। बेटे मैंने आप लोगों को बताया था रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश रूम, इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। बेटे कैश अकाउंट की तरह ही होता है। और शुरू करते हैं बेटे बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्वेश्चन विजिबल होगा सब लोगों स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन सबका विजिबल है और साथ में एक आंसर शीट भी आप लोगों को विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 Just wait. हाँ जी ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे हमारा, और ये मेरा पेन जो मैं इसको ये, हाँ जी सर ठीक है बहुत बढ़िया, बेटे बिगिन करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेलवे क्लब, चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ हाँ जी बेटे इन द बुक्स ऑफ, बेटे किसकी बुक्स में काम कर रहे हो आप, नाम मुझे बताओ किसकी बुक्स का नाम क्या बेटे, रेलवे। बेटे क्वेश्चन सबका विजुअल है ना, चलो बहुत बढ़िया। हम क्या बना रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं बेटे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बेटे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है बच्चे। फिर डेबिट साइड का नाम बेटे क्या होता है मुझे बताओ, रिसीव्ड अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बेटे रिसीव्ड अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। बेटे कैशबुक की तरह है, जितना पैसा आएगा डेबिट में जो जाएगा बेटे क्रेडिट साइड में आ जाओ। सबसे पहले सर बेटे कैश का बैलेंस चेक करो, कितना बैलेंस है मुझे बताओ बेटे, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4390 बेटा बैठो बैठो चलो एक मिनट बिगिन करो, जस्ट वेट। आपका नाम क्या बच्चे, प्रिया, ओके ठीक है। आपका आज फर्स्ट लेक्चर हमारे साथ है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पर है गया मैं आपको मंडे को बुला के आपको समझा दूंगा ठीक है। फिलहाल अभी आपको स्क्रीन बच्चे विजिबल है, टॉपिक चल रहा है बेटे एनपीओ, क्या चल रहा है एनपीओ। बच्चे एनपीओ का मतलब होता है नॉट, बच्चे एक मिनट सबको बता दूँ, एक नया बच्चा उससे बात करूँ आपसे कॉर्डिनेट करता हूँ बच्चे। बेटे एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर, जो लोग समाज का बेटे भला करते हैं समाज सेवा करते हैं उसको बोलते हैं एनजीओ या एनपीओ ठीक है। बेटे वो लोग भी अपने अकाउंट बनाते हैं, अपने बेटे क्या बनाते हैं अकाउंट, तो उनके अकाउंट कैसे बनते हैं वो सीखने जा रहे हैं। आज एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ा, बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चे आपने क्लास 11 से पढ़ा होगा कैश बुक, पढ़ा होगा डेबिट साइड में रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में पेमेंट, लेकिन एनपीओ के अंदर बेटे उसी कैश बुक को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलते हैं। एनपीओ के अंदर कैश बुक को हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलते हैं ठीक है। बिल्कुल इसकी डेबिट साइड का नाम है रिसिप्ट, तो चेक करो बेटे, और जो क्रेडिट का बच्चे नाम क्या है पेमेंट। क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 1, जो आपका छूट गया है आपको मंडे को बुला के मैं 3 बजे बुलाऊंगा मंडे को, आपका सारा वो टॉपिक मैं कवर करूंगा ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आएगा बच्चे दोबारा बात करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब 31 मार्च 2020। बेटो मेरे कुछ दिन में एक रूम में वो भी लग जाएगा, क्या कहते हैं पूरे का पूरा प्रोजेक्टर, तो आपको उम्मीद है इससे बड़ी क्लास को देखने का मौका मिलेगा, कोशिश चल रही है मेरी, उम्मीद है कमिंग वीक तक वो काम भी मैं कर लूंगा कम्प्लीट। बेटे बीडी बच्चे 4390। अब देखो बेटे इनको जो जितने भी एनजीओ है बच्चे इनके पास पैसा आता भी है जाता भी है, देखो एनजीओ का ओपनिंग बैलेंस कैश का बेटे, कैश का बीडी आता है डेबिट साइड तो बैलेंस बीडी ठीक है। अब देखो एनजीओ को बेटे सब्सक्रिप्शन मिलती है, इनकम की फॉर्म है सब्सक्रिप्शन, एनजीओ के लिए इनकम है, तो जितना पैसा आ रहा है रिसिप्ट पेमेंट किस साइड पर आएगा डेबिट साइड पे, जो जा रहा है बेटे वो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड पे। तो जो अगला बच्चे नाम आ गया सब्सक्रिप्शन, इनको बेटे सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है, तो
सब्सक्रिप्शन बेटा कितना बैच का मिल गया चेक करो, 37,600 रुपीज। आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं बेटा, आगे देखो देखो इनको और कहां से पैसा मिल रहा है, डोनेशन। बच्चे बड़े सारे लोग एनजीओ को डोनेशन भी देते हैं, अभी देखो बड़ा अच्छा काम किया था कोविड के टाइम में सोनू सूद ने, तो सब लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, नोबल कॉज, तो भी एक एनजीओ की तरह है। सलमान खान का एनजीओ बीइंग ह्यूमन, समाज का भला कर रहे हैं, नोबल कॉज कर रहे हैं। आप देखोगे गुरुद्वारा बंगला साहिब ने अभी एक बहुत हॉस्पिटल ओपन किया है, वो भी क्या है, एक तरीके का एनजीओ जो समाज का बेटे क्या कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को डोनेशन भी मिलता है, क्या डोनेशन मिल गया, पैसा आ गया, जितना बेटे पैसा आएगा रिसीव पेमेंट के कहां आएगा, डेबिट। फिर कितना पैसा मिला था इनको, 8,000। कितना मिला, 8,000। चलो आगे चलते बेटे, और इनको पैसा कहां से मिला समझिंग, और देखो बेटे पैसा कहां कहां से मिल रहा है, समझने मेरी बात को। एंट्रेंस फी, बच्चे लोग क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, जब मेंबरशिप लेंगे तो इनको बेटे पैसा देते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये भी इनका पैसा आ रहा है टू एंट्रेंस फी। बेटे अभी आगे इनके बारे में पूरा एलोबरेट करूं, एंट्रेंस फी क्या होता है, डोनेशन क्या होता है, पूरा टॉपिक बन जाएगा। अभी खाली क्या पढ़ा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, सिंपल, जो आ रहा है पैसा आ गया, एंट्रेंस फी आ गया 4,300, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलो, अब आगे चलो बेटा, आगे बात करो सर, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल। अब क्या आपने देखा होगा गुरुद्वारे मंदिर वगैरह में क्या होता है, एक उनका हॉल होता है, बच्चे लोग ना फंक्शन जब बुक करते तो हॉल किराए पे लेते हैं, मान लो किसी को गुरुद्वारे मंदिर में मैरिज करनी है या कोई फंक्शन करना है, तो हम गए गुरुद्वारे मंदिर में, हमने कहा कि हमें ये हॉल चाहिए एक दिन के, दोस्तों हम सबसे क्या मांगते हो, किराया, कि आप कितनी पर्ची कटवा दो, रेंट दे दो। तो बेटे रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, क्लब अलग हुआ हॉल है, वो हॉल को उन्होंने किराए पे दे दिया, वहां से बेटे पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है। फिर कहाँ आएगा बताओ, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल। बेटे आज के लेक्चर के 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं, 5 अनसॉल्व है और 5 क्या बचे, सॉल्व। मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन है, और कॉपी अलग बनेगी, होमवर्क कॉपी अलग, क्लासरूम कॉपी अलग। तुम कितनी मोटी, कौन से कितनी छोटी कॉपी, कितनी मोटी कॉपी बनाओ जिससे बार बार कॉपी की आपको रिक्वायरमेंट ना, एक कॉपी पूरे साल चले, एटलीस्ट इतनी मोटी कॉपी होनी चाहिए, चलेगी दौड़ेगी, संभाल के रखना बस। और फिर चले आगे चले बेटे, क्लब से हमें मिला रेंट, मिला 5,250, हर महीने 2 टेस्ट मिनिमम आपका परफॉर्मेंस जज करने के लिए। सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बेटे क्लब में बिजली चलेगी, पैसा आ रहा है कि जा रहा है बताओ, जा रहा है सर, कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट बेटे गोस आउट, ठीक है, बात समझ आ गई। टैक्सेस पेड, सर पैसा आ रहा है कि जा रहा है बेटे, आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है, बाय टैक्सेस पेड। प्रार्थना बेटे आप कहाँ रह गया, जाए क्यों नहीं सर, वो थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी। ध्यान रखो बेटे, ध्यान रखो, मोटो हो पढ़ना, मोटो होना चाहिए, यहाँ पढ़ो घर पढ़ो, मोटो होना चाहिए, स्टडी रेगुलर होमवर्क, उसके बच्चे कोई मोटो नहीं चाहिए अपना, ठीक है बच्चे। चलो आगे, सैलरी बेटे, सैलरी पे करेंगे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है, सर सैलरी पे करते हैं हम लोग, सर पैसा चला गया 21,000 रुपीज। ऑनरेरियम टू सेक्शन, ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम क्या होता है समझेंगे पहले, ऑनरेरियम का मतलब देखो, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सर पैसा जा रहा है तो अपने को पता है, मतलब आएगा क्रेडिट साइड पे, एक बार लिखो फिर समझेंगे ऑनरेरियम क्या होता है, बाय ऑनरेरियम, ऑनरेरियम बेटे किसको पैसा दिया हमने, सेक्रेटरी को। ऑनरेरियम क्या होता है सुनो बच्चे मेरी बात, ध्यान से देखो बेटे, कभी आप लोगों के स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आते हैं कई बार, है ना, तो चीफ गेस्ट की सैलरी नहीं होती, फिर भी स्कूल वाले उनको एक लिफाफा बना के दे देंगे, एक लिफाफा बना के रिस्पेक्ट के लिए कि आप हमारे स्कूल में आए हो, उनको एक शॉल ओढ़ेंगे और साथ में लिफाफा बना के दे देंगे, उस जो रिस्पेक्ट के लिए पैसा मतलब उसको क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। क्या बोलते हैं, सैलरी तो मिलेगी रेगुलर काम करने वालों को, जो कभी कभी आते हैं चीफ गेस्ट टाइप के बंदे, उसको क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम, ठीक है। और बेटे को पैसा बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, देखो आ रहा है कि जा रहा है, चेक करो, मुझे नहीं पता बेटे आ रहे, आप चेक करके बताओ। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि जा रहा है, सर इनफ्लो है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,950, गॉट इट। बच्चे प्रिंटिंग स्टेशनरी, बच्चे कोई भी एनजीओ क्लब हो सबको किताबें तो चाहिए होती, हिसाब तो बनाना तो सब लोगों को, सर बनाएंगे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, बहुत बढ़िया। सर पैटी कैश, सर उन्होंने पैटी कैश का नाम सुना था क्लास में, पैटी कैश बुक, छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे बोलते पैटी कैश, बाय पैटी कैश एक्सपेंस 900 रुपीज, 900 रुपया बेटा आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जितने ग्रुप में मैंने पूरी जितने नोट्स फॉरवर्ड किए हैं
और इस पूरे चैप्टर की पीपीटी बनी हुई है, वो सारी आपको मैं क्लास के बारे में ग्रुप में ऐड करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा पर्सनली पहले, और जितने रूल रेगुलेशन है मेरी क्लासेस के होमवर्क से रिलेटेड या टेस्ट से रिलेटेड वो सब आपको मुझे क्लास के बता देंगे, ठीक है। हाँ सर बच्चे आगे चलो, सर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बाय आ रहा है कि जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बेटे 300 पैसे चला गया, 310 क्लियर, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब बेटे क्या निकालना है मुझे, देखो बेटे कैश बुक में क्या होता रहा, सबसे पहले बीडी बेटे, फिर शायद रिसिप्ट आए बेटे, फिर पेमेंट है, एंड में क्या निकलता रहा बैलेंस, अपने आप सॉल्व करो कितना सॉल्व करो बेटे, फिर बैलेंस शीट निकालना आता है, जो साइड क्या होगी शॉर्ट बेटे वहां के निकलेगा बैलेंस सीडी, सॉल्व करो बताओ कितना है, सबकी वेट करो बच्चे, बेटे वंशिका समझ आ रहा है आपको, यस हाँ जी बेटे सॉल्व करो फटाफट, हर्षिता बेटे आपको समझ आ रहा है बच्चे, यस सर ओके अभी दो तीन बच्चे आने वाली क्लासेस में भी और भी आने हैं, जिनको ने आने भी आपको बैच का पेंडिंग बच्चे वो इनका भी फंक्शन चल रहा है चर्च को है ना, वो भी ज्वाइन कर लेंगे बैच का। हाँ बेटे सॉल्व करो फटाफट, सीडी निकालो कितना आ रहा है बेटे, इट जस्ट लाइक अ कैश बुक, ओके करो सॉल्व बेटे अपने आप, भाई यहाँ पे नए नाम आएंगे जैसे डोनेशन नया नाम आ गया, सब्सक्रिप्शन बाकी है इसकी तरह, ठीक है करो बेटे सीडी निकालो कितना आ रहा है मुझे बताओ, सब लोग कंपेयर करो, तो सीडी कैसे निकालते हैं बेटे, डेबिट साइड को प्लस कर लो पूरे का पूरा, ऐड कर लो बेटे क्रेडिट को ऐड कर लो, जितना क्रेडिट शॉर्ट है बेटे उतना आपका क्या निकल जाएगा बैलेंस, सॉल्व करो टेक योर दो मिनट का टाइम लो बेटे, आप लोग नहीं आएगा समझाऊंगा बेटे मैं आगे फिर आगे लेके जाऊंगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन कौन करेगा बेटे, आप खुद करेंगे, आपके हवाले अगला क्वेश्चन बेटे, आप लोगों ने खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चे, सीडी निकालो बेटे आप लोग मैच करो, आपका आंसर आया कि नहीं आया मुझे बताया बेटे, आप लोग डेबिट को ऐड करो, डेबिट का सम बेटे करो कितना आ रहा है मुझे बताओ बच्चे, क्रेडिट का कितना है और क्रेडिट कितना शॉर्ट है, जितना शॉर्ट है बेटे वो आएगा बैलेंस सीडी, और सीडी को बेटे हम बाद में क्या बनाते हैं, सीडी को क्या बनाते हैं हम लोग, सीडी कैरी डाउन बिकम द ब्रॉट डाउन, ठीक है बैलेंस सीडी। बच्चे जिनके अभी 11th के एग्जाम पेंडिंग है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी देर घर पे करते हैं, ठीक है आप कौन स्कूल में बच्चे, अभी आपके एग्जाम पेंडिंग है ना बच्चे, तो उसकी भी कोई बात नहीं बेटे, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी मैं आपको एक्स्ट्रा बुलवा लूंगा उसके लिए भी, ये क्लास चलती रही उसके लिए एक्स्ट्रा बुला के हम उसके भी एक दो चैप्टर की रिविजन भी साइड बाई साइड कवर कर लेंगे, ठीक है तो ये भी करना है वो छोड़ना नहीं, ठीक है उसको साथ लेके चलते हैं। आपको उसमें डाउट कोई 11th में कोई डाउट किस चैप्टर के अंदर कोई डाउट हो बेटे, आगे फाइनल अकाउंट कोई भी डाउट हो मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेना बेटा, आपको भी कोई भी चैप्टर नहीं आता, बीएसएस हो गया फाइनल अकाउंट हो गया कुछ भी। बन। हाँ बेटे क्या सीडी कितना आ गया बताओ, 33,000 आ गया बेटे, बाकी लोग भी देख लो आ रहा कि नहीं आ रहा कंफर्म कर देना बेटे मुझे एक बार बेटा, टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल 62490 बेटे, आपको मैंने जो तीन आपको मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड की थी बेटे, इसमें एक एक पीडीएफ बेटे इसके आंसर सही है, ठीक है तो आप बेटे एंड में आंसर अपने आप टैलेट कर देना बेटे, आपके आंसर सही है कि गलत है, ठीक है मैंने आपको तीन पीडीएफ फॉरवर्ड किया है बेटे, एक तो इस बुक के थ्योरी के पार्ट किया है बेटे, एक पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन की एक आंसर की और एक पीपीटी की पीडीएफ है, तो चेक कर लेना एक बार आप लोग। चले बेटे आगे सर, क्वेश्चन नंबर टू कौन करेगा बेटा, आप करो क्वेश्चन टू अपने आप स्टार्ट करो बेटा फटाफट, टेक योर टाइम, क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा विजिबल है, क्वेश्चन स्क्रीन विजिबल है, क्या दिक्कत आ रही है आपको, विजिबल नहीं है ऐसे करते विजिबल भी करवाएंगे, चलो बेटा विजिबल है बेटा, क्वेश्चन टू स्टार्ट कर दो फटाफट,
बेटा देखो क्वेश्चन नंबर टू का नाम बंगाल क्रिकेट क्लब, बेटा बंगाल क्रिकेट क्लब है जिनको इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल 2019 को, ऐसे आपको कह रहा है इससे पेमेंट बनाओ। क्वेश्चन मेरा मेरे पास क्वेश्चन है मेरे पास भी, आप भी चेक कीजिए अपने लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर। बेटा डिस्क्रिप्ट आपको गिवन है एंट्रेंस फी या सब्सक्रिप्शन डोनेशन है, मतलब सबकी साइड पर आएगी है डेबिट साइड पे। सर पेमेंट में क्या है, रेंट है, पोस्टेज है, या फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, सारी बातें गिवन है। पहले हमें पहचानते हैं पहचानना भी नहीं, तो निकालो सीडी, निकालो कमेंट करो, बताओ सीडी कितना आ रहा है। बच्चे निकालो बेटा सीडी निकालो, क्या ना मुझे बताओ फटाफट। स्क्रीन विजिबल आपको दिक्कत नहीं, मुझे विजिबल है ना। बेटा आंसर निकालो अपने आप, बताओ आंसर क्या आ रहा है बेटे, कमेंट आंसर करो फटाफट। बेटा आज के लेक्चर रिसीव पेमेंट पूरा खत्म करेंगे, साथ में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। इसके अंदर बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बीडी नहीं बता आपको, बीडी ओपनिंग बैलेंस नाइन इसको मतलब मानेंगे जीरो, ठीक है। देखो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कुछ स्टार्ट ही कब किया, देखो क्लब कब स्टार्ट किया, देखो पढ़ो क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2019 को बेटा स्टार्ट ये भी किया, तो बीडी कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। निकालो बीडी निकालो बेटा, देखो चेक करो मुझे क्या पता बेटा आपके पास क्वेश्चन है, मैं तो काम बताना खाली बच्चे। बेटा क्या आंसर आ रहा बताओ, हरिया वेट कर रहा हूं बच्चे, कितना आंसर आ रहा है। सेवेंटीन थाउजेंड बेटे आंसर आ रहा है, एक बार टैलीट कर लीजिएगा।
यस सर 70 आपको बेटा देखिए बच्चे पीडीएफ में तीन पार्ट्स है, पहले थ्योरी वाला पार्ट है बच्चे, फिर अनसॉल्वड क्वेश्चन है बेटा, उसके आंसर है, और एक पीडीएफ बच्चे मैंने जो मेरी अपनी बनाई हुई पीपीटी है, तो चार अगर बुक नहीं है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, सारा मेटेरियल आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, बस आपको बेटे घर पे पढ़ना है, स्टडी करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। चलो सर अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, आप मत बोलना कुछ, अब बेटे बहुत बढ़िया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर करो 5 बेटा, क्वेश्चन 5 आपकी वेट कर रहा है बेटे, क्वेश्चन 5 आपकी वेट कर रहा है बेटे, स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 5 बेटे। एक बात याद रखना, डिस्ट्रिक्ट पेमेंट में क्या है, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, आया बेटे कहाँ आएगा, डेबिट साइड, गया कहाँ आएगा, डेट इनफ्लो लेट एनी पीरियड, इस साल का पैसा आया हो, चेक कमिंग ईयर का या प्रीवियस ईयर का, सब कुछ जितना आया डेबिट में और जितना गया, क्या इस पीरियड का हो, चेक प्रीवियस का हो या कमिंग का हो, ये बोलते हैं कैश बुक या कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड डेबिट साइड को रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड को पेमेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमें करना है, 5, और स्टार्ट करेंगे बेटे। सबसे पहले क्या लिखना है उसमें, देखो बेटे आपको कैश का बैलेंस पता है 1 अप्रैल का 50,000 रुपीज, तो बेटे बैंक का कितना बैलेंस, देखो बैंक का कितना बैलेंस आप लोगों को पता है बेटे, बैंक का कितना बैलेंस है अपने पास, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम स्टार्ट करते हैं बच्चे सबसे पहले, देखो थोड़ा सा पहले वो घुमा लो, घुमा दीजिए आप सब लोग, देखो आगे थोड़े आगे आप लोग सबसे पहले मैं थोड़ी स्टार्टिंग करूंगा, करना आप लोगों ने खुद ही बेटे, रिसिप्ट एंड बुक्स का नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ एवरग्रीन क्लब, ठीक है बच्चे, अपने आप करना, थोड़ा गाइड करूंगा, बस रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट बेटे, सबसे पहले बैलेंस बीडी बेटे, बैलेंस बीडी में क्या क्या चेक करो, एक कैश है तो दूसरा बच्चे कौन है बेटे, कैश कितना है, इनर कॉलम में लिख लो 50,000 बेटे, के का मतलब होता है 1,000, के का मतलब क्या होता है 30 इक्वल टू के, ये बेटे एग्जाम में के लिख के नहीं आना आपने, ठीक है वहां लिख के नहीं, मैं क्लासरूम में बताऊँ थोड़ी जगह मेरे पास कम है बेटे, 340 के बेटे आगे, ठीक है बेटे, दोनों मिला के बाहर कितना लिख दो 390 के 390, चलो बहुत बढ़िया, आगे स्टार्ट करो अपने बेटे, एंड में बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट किसका निकालना है हमें नहीं पता, आप बताओ सीरियस बच्चे, तो बैलेंस बेटे किसका निकालना है, बैलेंस शीट बैंक का, फिर कैश करो पता है बैंक का नहीं पता तो निकालेंगे बेटे, हमें डबल कॉलम नहीं बनाना, इससे वो डबल कॉलम था कैश बैंक नहीं आने करना, सिंपल सिंगल कॉलम, और एंड में सर आप लिख दो एंड में बेटे, मैं एंड में क्या लिख दूंगा, बैलेंस सीडी बेटे कैश और बैंक, सर कैश तो पता है 30,000 रुपए, सर बैंक हम निकाल लेंगे बाहर कूट कर देंगे, करो सॉल्व करो, जो पॉइंट नहीं आएगा मेरे से बात करो बेटे, खाली सब्सक्रिप्शन लिखा होगा उसका मतलब भी रिसीव्ड होता है, ठीक है, नहीं भी लिखा होगा वो रिसीव्ड है, खाली डोनेशन का मतलब क्या मानोगे, रिसीव्ड मानोगे, जब तक नहीं कहेगा डोनेशन पेड, हमेशा एनजीओ डोनेशन क्या करता है बेटे, रिसीव करता है, कई बार पे भी करते हैं वो, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानोगे, रिसीव, ठीक है, रेंट पेड विद द रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसिस मतलब पेड है, पोस्टेज स्टेशनरी पेड है, करो जी करो फटाफट करो, वेट करो मैं आप लोग, वेट करो मैं आप लोग, Thank you.
क्या हो गया? और इसको भी अभी आना है तेरे को? नो पाइन जो स्क्रीन में आएगा बड़े, उस स्क्रीन में आएगा कॉपी है उसकी, तो स्टार्ट करो। हाँ जी बच्चे, सब्सक्रिप्शन में स्टीम डेबिट में आ गया बच्चे। डेबिट में इन्वेस्टमेंट परचेज पे कहाँ आएगा? क्रेडिट में रेंट पेड, क्रेडिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में बेटे न्यूज पेपर परचेज किया है, क्रेडिट में पुराना रद्दी बेचा बेचे, डेबिट बेटे बुक परचेज पैसा जा रहा है, क्रेडिट में स्पोर्ट्स मेडल परचेज बेटे पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट मिला बच्चे, डेबिट ऑनरेरियम कोच को दिया पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है क्रेडिट बच्चे। हम क्या बना रहे हैं पेमेंट, जब बच्चे पढ़ाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो रूल चेंज हो जाएगा। फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? रिसिप्ट एंड, तो जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है रूल क्या लगा है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। बच्चे निकालो सीडी कितना रहा बताओ, पढ़ाओ सीडी। बच्चे हो जाए तो बनाना मुझे। वंशिका, हर्षिता, प्रार्थना बेटे हो गया बच्चे, आंसर आ गया बच्चे, सर बस आने वाला है। समझ आ गया बच्चे? समझ तो आ गया। यस सर, बेटे सॉल्व करो बच्चे, फटाफट सॉल्व करो। बेटे हो जाए तो बताना मुझे। जो बच्चे काम क्लास वर्क में करोगे कॉपी में, वो डिट्टो काम घर जाके आपने होमवर्क में करना ही करना है, विदाउट एनी एक्सक्यूज। ये मैं करवा रहा हूँ या आप नहीं कर रहे हो, घर जाके करोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? अभी होमवर्क दूंगा, जाते जाते होमवर्क दूंगा आपको, पहले क्वेश्चन को बेटे कंप्लीट करो बच्चे। आज से 5 साल पहले चैप्टर क्लास इलेवन में था, आपको बता दिए 4 से 5 साल पहले ये चैप्टर क्लास इलेवंथ में हुआ करता था, ये 12th में चला गया, इलेवंथ का ही चैप्टर है। 4 साल पुरानी बुक उठा के देख लो इलेवंथ की, आपको दिखेगा बेटे वहां क्या दिखेगा? एनपीओ। ये ऐसा चैप्टर 2007 में 12th में था, फिर 10 साल के लिए इलेवंथ में आया, फिर वापसी कहाँ चला गया? 12th में चला गया। ये 3-4 बार घूमा यहाँ से वहां, तो 12th में वापसी इसको भेज दिया उठा के। वेटेज बहुत, 10 नंबर एक चैप्टर वेटेज बहुत, 80 मार्क्स का पेपर में 10 नंबर का एक चैप्टर है, तो बहुत ज्यादा वेटेज है। एक क्वेश्चन 6 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर और एक क्वेश्चन 1 मार्क। तो 6 नंबर का मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में आएंगे। तो हर लेक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है उस 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलो बेटे सॉल्व करो फटाफट बच्चे, आंसर आया तो मुझे बताना, फिर समझेंगे हम, आगे चलेंगे आगे और बातें करेंगे आप लोगों से। प्रार्थना बेटे हो गया बच्चे, पूछता कुछ बताओ सर। 4,20,000 आ रहा है, आंसर आ गया बच्चे। 4,20,000 420 आ रहा है बेटे, बाकी लोग प्लीज कंफर्म कर दो बेटे। 420 बताया मुझे बच्चे ने, 420 बताया, प्लीज बाकी लोग कंफर्म करो आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे। 420 आ गया, यस सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, 420 आ गया तो गुड। चले आगे बेटे, हो जाए तो बताना। आज का टारगेट रिसिप्ट पेमेंट पे हमने बेटे पूरी कमांड लेके आनी है, बिना नो इफ नो बाय रिसिप्ट पेमेंट बेटे पूरा खत्म करना है। इसके 6 दूंगा एग्जांपल और 6 दूंगा अनसॉल्व क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे दोबारा से, सेपरेट कॉपी में करना है बच्चे,
कोई ये मत करना कि यही मुझे फॉरवर्ड कर दो, मुझे चीटिंग की आप सोचो कि यही उठा के सर को फॉरवर्ड कर दूं। बेटा संडे को बुलवा लूंगा एक दिन कभी, मैं दोनों कॉपियां मंगवा लूंगा यहाँ पर और सब धरा के धरा जाएगा आपका, जो भी सोचोगे सर हम देखी जाएगी। संडे यहाँ बुलवा लूंगा किसी को भी रैंडमली, बेटा दोनों कॉपी बेटे लेकर आओ, फिर चेक करूंगा आपने किया या आपने काम नहीं किया हुआ। तो बिल्कुल प्रिपेयर हो गए, चले लास्ट ईयर तो हमें लग रहा था चलो यार कोविड आ गया, आप करें घबरा गए हम लोग भी आप लोग भी, अब हम पूरे प्रिपेयर है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो हमने सब इंतजाम करके रख लिया भाई, सीधी सी बात है। आओ सर चलें। चलो बेटे आंसर आ गया, सबका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब बेटे अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे, बहुत कुछ अजीबोगरीब तरीके से बातें इंफॉर्मेशन दे रखी है। और बेटे क्वेश्चन नंबर 6 हमारी वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटे कौन सा 6, और समझेंगे बेटे वाला क्वेश्चन हो गया नहीं हुआ मार्क करना, डाउट में लेके आना, अगले में डाउट भी लेके चलूंगा। आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो नहीं हो रहा उसको मार्क करो, डाउट तो हर वीक के अंदर एक काम, तो वीक में 3 क्लासेस होती है, उसको इकट्ठा कर लो, जो डाउट है पेन डाउन करो, संडे को कोऑर्डिनेट करो, सैटरडे कोऑर्डिनेट करो, मिसर बैठो वो डाउट अपने क्लियर करवा लो। बेटे क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, आ जाओ सर। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, बेटे समरी है कैश की ट्रांजेक्शन, मतलब कैश का मतलब पैसा आ रहा है या पैसा बच्चे जा रहा है। बेटे उस कंपनी का नाम, बेटे एनजीओ का नाम बेटे क्या, गुड हेल्थ क्लब, गुड हेल्थ क्लब, ठीक है बेटे। 31 मार्च 2018 की बेटे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गिवन है, अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ना ज्यादा पेन चल गया। हाँ जी सर चलो आगे, हाँ जी बच्चे सबसे पहले देखो कैश का बैलेंस है बेटे ओपनिंग क्लोजिंग, बेटे डेबिट साइड पे आ जाएगा। बेटे मैंने पढ़ाया रिसिप्ट पेमेंट में सारी रिसिप्ट आएगी, चाहे इस साल की हो अगले साल की हो, किसी भी ईयर का पैसा आ रहा है जा रहा है सब इकट्ठा कर लो, कहां पर रिसिप्ट एंड पैसा क्यों, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है बेटे जो रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं वो बनाते हैं किस बेसिस बनाते हैं, पढ़ो क्या लिखा बेटे मैंने, कैश बेसिस, कैश बेसिस, जो पैसा आ रहा है जो से मर्जी आ रहा है उठा के डाल दो। अब बेटे पढ़ो क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कितना पैसा मिला चेक करो, सिर्फ 40,000 एक मिला, 375 एक और 20 एक, फिर सबको मिला दो, डेबिट में क्या लिखो 2 सब्सक्रिप्शन, सारा अमाउंट बेटे प्लस करके लिख दो, फिर कितना आएगा 375 और 60 कितना हो गया बेटे देखना 4,35,000 निकल के कुछ ये होगा ना 25-30, हाँ ये होगा ठीक है, तो लिख दिया। फिर डोनेशन मिली जिम के लिए, कहाँ आएगा डेबिट, एडमिशन फी डेबिट, LMS डेबिट, इसलिए सैलरी कहाँ आएगा क्रेडिट, तो लॉकर रेंट कहाँ आएगा ये बनाओ, लॉकर रेंट कहाँ आना चाहिए, ध्यान से बात सुनो बच्चे, ध्यान से बात सुनो बच्चे, हम लोग आप सबको बच्चे पता है हम लोग जब हम जाते हैं कहाँ जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं फन एंड फूड विलेज हम जाते हैं, सबको बच्चे बताओ जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे लॉकर लेते हैं, लॉकर का उनको क्या पे करते हैं, रेंट, उनको रेंट मिला या उसने हमें दिया, हम तो बेटे ये कहाँ आएगा लॉकर रेंट बेटे, कहाँ आएगा डेबिट, याद रखना ठीक है बच्चे, क्लियर होगी, क्योंकि लॉकर उनसे हम किराए पे ले रहे हैं और किराए का उनको क्या दे रहे हैं रेंट दे रहे हैं, इनको हमने अपने कपड़े वगैरह सवाल के वहाँ रखते हैं, लॉकर रेंट डेबिट में आएगा। बेटे इंटरेस्ट मिला 9% डिबेंचर में, बेटे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था मुझे वहां से इंटरेस्ट मिला, कहाँ आएगा सर ये भी डेबिट में। बेटे हेल्थ जर्नल, सर ये हेल्थ जर्नल क्या होता है।